मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है और हम हमेशा एक दूसरे के सामने ऐसे ही बैठे। मेहर मुझे दोबारा लौटाने के लिए थैंक यू। बहु बनकर इस घर में आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रिव्यू करेंगे राय जुनून, राय जुनून की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो नाजरीन, मेहर आखिरकार शबरीत की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी? काफी हद तक उसने अपनी हार मान ली है और वो जान चुकी है कि शबरीत बेगुनाह है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसकी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो मेहर की आंखों से पर्दा था और उसका नफरत का पर्दा उन्होंने हटा दिया। अब मेहर दिल भर के चाहने लगेगी पहले की तरह शबरीत को। क्या ड्रामा यहीं एंड हो जाएगा? नहीं नाजरीन, अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब एलिना जब शबरीत के भाई को निशाना बनाकर उसके घर आएगी तो वो शबरीत को ही निशाना बनाएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शबरीत के लिए आ रही है उसके भाई के साथ संबंध बनाकर, और शबरीत को वो निशाना बनाएगी, मेहर को भी निशाना बनाएगी, इन दोनों के दरमियान फिर से दूरियां पैदा करना शुरू कर देगी। एलिना काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि मेहर जो अब गलत फहमियाँ ख़त्म कर चुकी है फिर से उनको वो जगाएगी। एलिना इतना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कि मेहर शबरीत को छोड़कर चली जाए, लेकिन एलिना का ये ख्वाब पूरा ना हो सकेगा जब कैशान सारी हकीकत सामने ले आएगा मेहर की, और मेहर को सब पता चल जाएगा कि सब कुछ किया धरा। मेहर जान जाएगी कि ये कैशान और एलिना ने सब कुछ किया था और शबरीत ने तो कुछ भी नहीं किया था। तो फिर से मेहर और शबरीत एक हो जाएंगे, अभी तो एक हो चुके हैं, लेकिन एलिना ये सब कुछ शबरीत की मां के जोर पर ये करेगी और इसको निशाना बनाएगी, नफरत घोलेगी इन दोनों के दरमियान, मेहर और शबरीत की मोहब्बत फिर से खराब हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, अगर आपके माइंड में कुछ बातें हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।